एक जगवाड़ा करके गांव पड़ता है, आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जगवाड़ा करके गांव है जो कि काफी अच्छा एरिया है, थोड़ा जंगली इलाका है। यहाँ पर अभी रुके हुए हैं क्योंकि हमें अभी नाश्ता करना है और हमने क्या किया थे, घर से सारा इंतजाम कर रहे थे, जैसा कि जो खाने का आइटम रहता है, गैस वगैरह और सब्जी भाजी वगैरह, चावल आटा वगैरह, सारे सामग्री हम साथ में लेके आए थे। यहाँ पे क्या तैयारी चल रही है क्योंकि ये जो जगह है पूरा खेत वाला एरिया है, जगह लीजिए घर इसके लिए, बस एक मंदिर हमको मिला है, बस ये मंदिर में हमने जगह लिए है और वहाँ पर खाना बनाना काम चालू है। ये हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है और आप देख सकते हैं पूरा एरिया यहाँ जो है। यहाँ पे चालू है काम खाना बनाने का, हमने लेके आए थे जैसे कि आटा, चावल, कुकर और ये बोरी में सब सब्जी का सामान है, ये टमाटर है और ये हमारे प्रिंस भैया बैठे हैं। प्रिंस भाई को पता नहीं कौन सा टेंशन है, बेचारे उदास बैठे हैं। ये अदरक संभाल, जैसे मेरी मम्मी जो है मम्मी खाना बना रही है। अभी क्या बन रही है दिखता हूँ मैं, ये क्या बन रहा है इसमें, ये चटनी बन रहा है, इससे बन रही टमाटर की चटनी और उस कुकर में बन रहा है, बन चुका है आलू भात। जी हाँ, बहुत बढ़िया एंजॉयमेंट हो रहा है, काफी बढ़िया लग रहा है क्योंकि कहीं बाहर घूमने हम गए नहीं थे और एक ट्रिप जैसा बहुत बढ़िया यहाँ पे एंजॉयमेंट हो रहा है। और ये जो एरिया है काफी खाली खाली एरिया है, जंगल जैसा एरिया है और आपको हम सभी यहाँ से खाना खा के ओंकारेश्वर जा के फिर अगला ब्लॉग बनाऊंगा। तब तक के लिए इस ब्लॉग को देखिए और बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, अभी हो रहा है समय शाम को 5 बजे का और अभी ओमकारेश्वर से ठीक 50 किलोमीटर पहले एक काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छा शनि मंदिर हमें दिखा है। बस यही है, बिल्कुल शनि का नहीं, नवग्रह शनि मंदिर है त्रिवेणी का और अंदर से देखो तो नवग्रह की सारी नौ मूर्तियाँ हैं। मैं अभी अंदर जाता हूँ और आपको मूर्ति दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया मंदिर है। और आप भी जब भी जाए ओमकारेश्वर तो रास्ते में पड़ता है नवग्रह शनि मंदिर, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों यह है नवग्रह शनि मंदिर, जब भी आपका आना हुआ तो आप एक बार अवश्य आ सकते हैं ओमकारेश्वर से ठीक 50 किलोमीटर पहले नवग्रह शनि मंदिर। जब भी आपका आना हुआ तो एक बार आप अवश्य जाके देख सकते हैं। अभी समय हो रहा है लगभग शाम के 8 बजे का और अभी हम पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर मंदिर के पार्किंग के पास में। जी हाँ दोस्तों, ओमकारेश्वर मंदिर के ठीक पहले में ही पार्किंग है, बट अगर यदि आप बाय कार आए हो तो आगे में भी पार्किंग है, तो आपको यदि आप जाओगे तो कुछ तो आपको बोलेंगे कि कार वहीं पार्क कर दो, लेकिन नहीं, वहाँ से रास्ता थोड़ा दूर है तो आप यदि जाओगे तो बिल्कुल लास्ट तक के आपको आना है और वहाँ पर भी पार्किंग प्रेजेंट है, पार्किंग है वहाँ पर कार की ओमकारेश्वर मंदिर के मेन गेट के पास। तो अभी हमको जाना है ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए और सभी लोग रेडी हो चुके हैं, अब बस जा रहे हैं, चल रहे हैं। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये सारी पार्किंग वाला एरिया है, जेपी चौक कहते हैं इसे, और जेपी चौक में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अभी हमको जाना है मंदिर, तो मंदिर में जाके मैं आपको व्लॉग दिखाऊँगा। और हवे से मेरा जो साउंड है क्लियर नहीं आ रहा होगा, और यहाँ बोर्ड के माध्यम से आप मंदिर में दर्शन किया था वहाँ दिखाइए, वहाँ देखिए पहाड़ी के ऊपर कितने बढ़िया घर बने हुए हैं। जी हाँ, पहाड़ के ऊपर में वहाँ पे घर बने हुए हैं क्योंकि काफ़ी सस्टेनेबल लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब आगे और मंदिर में जाएंगे और अपने माध्यम से दिखाएंगे, यदि
आप भी ओंकारेश्वर गए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि आप कहाँ कहाँ घूमे हो और कौन कौन से ज्योतिर्लिंग आपकी भी कम्प्लीट कर दी। और दोस्तों यहाँ पर आप पूजा पाठ का सामान भी ले सकते हो, क्योंकि ऊपर जाओगे ओंकारेश्वर मंदिर में तो पूजा आपको करना पड़ेगा, इसीलिए सामान यहाँ से आप ले सकते हो 50 रुपये और फिर या फिर 100 रुपये का भी सामान यहाँ पे मिलता है। दर्शन हुए हमारे और अभी हम जा रहे हैं एग्जिट में। अरे चिल्ड वाटर है, बॉटल लाएंगे और यहाँ आपको पीने का पानी मिलेगा। शॉपिंग का एरिया और यहाँ पर आपको बुक्स मिल जाएगी, पूजा पाठ से संबंधित सारी चीज़ें मिल जाएगी और मूर्तियाँ दीपक इन सारी चीज़ें आपकी हमें। तो दोस्तों फाइनली हमारा आज ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं। यह आज की भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और समय भी हो चुका था, अभी लगभग 9 बजे है और 9 बजे यह मंदिर बंद होने का समय होता है, लेकिन इस समय भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। दर्शन हमारे बहुत जल्दी जल्दी हुए, इन शॉर्ट में हुए हैं, लेकिन स्पॉट काफ़ी बढ़िया है, यदि आप चाहें तो एक बार अवश्य आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है इसी के पास में उज्जैन भी पड़ता है, लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर। कल हम उज्जैन जाने वाले हैं, कल उज्जैन का ब्लॉग भी आने वाला है। इस ब्लॉग को यानी कि ओंकारेश्वर वाले ब्लॉग को आज यही पेंट करते हैं, कल उज्जैन वाला ब्लॉग आने वाला है उसको भी देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आप भी ओंकारेश्वर गए हो या नहीं गए हो या जाने वाले हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिखिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।